लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि जिस तरह से उनके बेटे उनके लाल अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार ने जेल में डाला है। आज मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। महिलाएं कह रही हैं मोदी की गारंटी एक झूठी गारंटी है। भारत के ताने बाने को बिगाड़ के लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी अदालत के सामने दलीलें पेश की। 30 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल पूछे थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आम चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई। बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दिल्ली के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को 16 मार्च को सम्मन भेजा गया। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को शामिल होने के लिए कहा। जब तक आप गिरफ्तार नहीं हो जाते आप आरोपी नहीं है। सिंघवी ने कहा कि मैंने लिखित में पूछा था कि क्या आरोपी हूँ। उनकी अपनी समझ के मुताबिक 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था। वो 21 मार्च को अदालत में गिरफ्तारी की आवश्यकता कैसे दर्शाते हैं। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जिस तरह से संविधान लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जनता उसका जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया लोगों में उस बात को लेकर गुस्सा है। वो जेल का जवाब वोट से देने को तैयार हैं। मैं आज दो विधानसभाओं में गया था, कालकाजी में और बदरपुर में, दोनों विधानसभाओं में और इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सही राम के लिए जबरदस्त समर्थन है। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि जिस तरह से उनके बेटे उनके लाल अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार ने जेल में डाला है। जेल का जवाब वोट से देने के लिए लोग तैयार हैं। आज मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी पे झूठ बोला, उन्होंने 15 लाख पे झूठ बोला, उन्होंने पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला, उन्होंने इस देश की जनता से बार बार झूठ बोलने का काम किया, तो उनकी झूठ की गारंटी का जवाब इस बार जनता अपने वोट से देगी। जनता कह रही है मैं किसान हूं और मेरी गारंटी है कि मोदी की गारंटी एक झूठी गारंटी है। महिलाएं कह रही हैं मोदी की गारंटी एक झूठी गारंटी है। नौजवान कह रहा है मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। दिल्ली और देश के लोग कह रहे हैं मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। उसका जवाब लोग देंगे। आज जिस तरह से भारत के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, भारत के ताने बाने को बिगाड़ के लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जनता उसके खिलाफ जवाब देगी। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में 15 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब देना था। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामा में ईडी ने शीर्ष अदालत से कहा था कि सीएम केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना और साजिश करता है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को लगातार 9 बार सम्मन भेजने के बाद 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया था। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।